नमस्कार छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के ऊपर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल के कवि भारतेंदु काल के बाद की श्रेणी में आते हुए छायावाद से उतरते हुए खड़ी बोली हिंदी के प्रथम पंक्ति के कवि माने जाते हैं। आपके काव्य में नवीन चेतना देखने को मिलती है। हम पूर्व के वीडियो में इस पर विस्तार से बात कर चुके हैं कि किस तरीके से भारतेंदु युग के बाद जो कविता का नया एक दौर आया था, उसमें हरिओत जी ने नवीन प्रतिमानों का सृजन करके काव्य का सृजन किया। कृष्ण और राधा का चरित्र जो आदिकाल से भक्ति काल में शांत रस में भक्ति धारा में प्रवाहित हुआ, विस्तार से प्रवाहित हुआ, जनमानस जन चेतना का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा। आधुनिक काल में आके उसी राधा और कृष्ण के चरित्र को हरिओत जी ने एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया, नए तरीके से राधा और कृष्ण को परिभाषित किया, क्योंकि उसके अवतारिक जो परिकल्पना थी उस परिकल्पना को उन्होंने अपने साहित्य में दोनों ही पात्र रहे हैं। चाहे उन्होंने वैदेही वनवास अपने खंड काव्य में सीता और राम के चरित्र को प्रस्तुत किया हो, चाहे प्रिय प्रवास में उन्होंने राधा और कृष्ण के चरित्र को प्रस्तुत किया हो, एक नया दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है, पारंपरिक तरीके से चलते हुए लीख को नहीं पीटा है। ये बात हम पूर्व के वीडियो में भी बात कर चुके हैं, करते आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि हरिओत जी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं, जिनके काव्य को बहुत अधिक मान्यता प्राप्त हुई, बहुत अधिक प्रचारित हुआ। और सही माने में देखा जाए तो खड़ी बोली को स्थापित करने में अयोध्या सिंह उपाध्याय का बहुत बड़ा मुख्य स्थान रहा है। प्रश्न हिंदी साहित्य में जो बनता है तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, प्रश्न पत्र में जो आमतौर पर प्रश्न आता है, वह प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत खड़ी बोली काव्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस उद्धरण के रोशनी में प्रिय प्रवास पर प्रकाश डालें। तो एक ही प्रश्न में प्रश्न पत्र निर्माता ने दो प्रश्नों को पूछ लिया। 20 नंबर का प्रश्न है, लिहाजा 10-10 नंबर में दोनों बट गए। 10 नंबर में आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्यधारा के महत्व को प्रतिपादित करना है, उपाध्याय जी का स्थान निर्धारण करना है, और 10 नंबर में आपको प्रिय प्रवास की विशेषताएं बतानी है। प्रिय प्रवास में किस तरह से कृष्ण को प्रस्तुत किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, आपको उसको परिभाषित करना है। तो जैसे मैंने प्रश्न पत्र निर्माण या प्रश्न पत्र हल करने की जो एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि आप प्रश्न को पहले बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए उसको, 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रश्न पत्र निर्माता जो है वो चाह रहा है, वो आपसे केवल एक प्रश्न चाह रहा है या वो आपसे एक से अधिक प्रश्नों के जवाब चाह रहा है। जितने टुकड़ों में प्रश्न बटा होगा उसके नंबर भी उतने ही टुकड़ों में बटे होंगे। तो आप प्रश्न को हल करने से पूर्व प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो यहाँ प्रश्न पहले, सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय का खड़ी बोली में स्थान निर्धारण का महत्व है। तो हम बात कर रहे थे कि उपाध्याय जी ने खड़ी बोली में भारतेंदु के बाद, और आप देखें कि छायावाद के साथ साथ, छायावाद के साथ के ही कवि माने जाते हैं, छायावाद के साथ साथ उन्होंने जब वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास जैसे खंड काव्य लिखे, जिनके प्रमुख प्रतिपाद्य पौराणिक पात्र रहे, एक के राम और सीता और दूसरे के राधा और कृष्ण, ये दोनों ही जो युगल हैं, राधा कृष्ण राम और सीता, ये दोनों ही युगल जो है भारतीय जनमानस के आराध्य हैं। ये कोई सामान्य नायक नायिका नहीं, ये भारतीय जनमानस के आराध्य रहे हैं, और इन्होंने सदैव इनको सदैव भारतीय जनमानस ने श्रद्धा के स्थान पर आरोपित किया है। तो बहुत मुश्किल है कि हम अपने
आराध्य को सामान्य नायक नायिका के रूप में स्थापित करें या स्थापित होता हुआ देखें। ऐसी स्थिति में हरिओत जी ने ये एक दुस्साहस किया था कि उन्होंने इन दोनों युगलों को अपने दो खंड काव्यों में सामान्य नायक नायिका के रूप में एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। उनका ये मानना था कि देखिए अवतार की जो अवधारणा है वो अपनी जगह काल सापेक्ष है, माना मैंने कि वो एक काल में ये अवतार अवधारणा रही होगी, लेकिन वर्तमान में चूंकि मनुष्य योनि में उन्होंने जन्म लिया था और उदाहरण के तौर पर प्रिय प्रवास को ही ले तो कृष्ण ने जैसे पारंपरिक के कथा प्रचलित रही है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छिटली उंगली पर उठा लिया, तो प्रिय प्रवास में हरिओत जी ने कहा कि ये असंभव है एक सामान्य मनुष्य के लिए, और मनुष्य योनि में चूंकि कृष्ण ने अवतार लिया है तो यह संभव नहीं। उन्होंने इस चीज को बहुत ढंग से, बहुत सलीके से, अलग तरीके से प्रस्तुत किया, कृष्ण के उस श्रम को प्रस्तुत किया और जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि कृष्ण में लोक सेवा की भावना थी, राधा और कृष्ण में लोक सेवा की भावना थी, तो लोक सेवा की भावना, जन सेवा की भावना जो थी, वो जन सेवा की भावना से मनुष्य जो है वो सामान्य से श्रेष्ठ हो जाता है। तो कृष्ण भी अपनी इसी भावना के चलते सामान्य से श्रेष्ठ हो गए थे, और सामान्य से श्रेष्ठ जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसके कांधों पर दायित्वों का बोझ और ज्यादा आ जाता है, और उन दायित्वों को सही तरीके से निर्वहन करने के लिए वो जो श्रम करता है और उस श्रम का जो परिणाम आता है वो परिणाम उसे ईश्वरत्व तो प्रदान करता है। तो ये एक अवधारणा जो थी हरिओत जी की, उन्होंने इसी पर काम किया और उन्होंने सबसे पहले कृष्ण को उसके चरित्र के आधार पर अलग अलग भावों में अभिव्यक्त किया। तो पहला था कि लोक सेवा का भाव, लोक सेवा की भावना कृष्ण में थी, तो उन्होंने लोक सेवा के चलते समस्त जनों का कल्याण किया, समस्त लोगों को उस विपदा से बचाया जो इंद्र गर्व के कारण अतिवृष्टि के प्रभाव से प्रभावित थे, पीड़ित थे। तो वो एक काम था, उसमें कृष्ण का त्याग, कृष्ण की तपस्या, कृष्ण का श्रम, कृष्ण की जो योजना थी, उनके जो बाल सखाओं की टोली जो थी, उनके ग्वालों की जो टोली थी, उनका मैनेजमेंट था, उस सबको हरिओत जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया। तो उसके चलते उन्होंने कृष्ण के लोक सेवा के भाव को प्रस्तुत किया। अगले बिंदु में आते हैं सांस्कृतिक आदर्श और समन्वयी आस्था कि उस समय के जो सांस्कृतिक आदर्श थे, जीवन को स्थापित करने के जो आदर्श थे, हरिओत जी ने, उनके साथ साथ मैथिली शरण गुप्त जी ने, उनके साथ साथ और अन्य कवियों ने अपने काव्य में प्रस्तुत करने का लगातार प्रयास किया। उन्होंने जैसे राजा कैसा होना चाहिए, लोक सेवी होना चाहिए, प्रजा रक्षक होना चाहिए, जन हितेशी होना आवश्यक है, ये सारे राजाओं के गुण होने चाहिए। तो जो राजा का मतलब जो नायक है, राजा का मतलब जो नेतृत्व कर रहा, राजा का मतलब जो समाज को एक साथ लेकर, एक झंडे के नीचे लेकर चल रहा है, उसमें ये सारे गुण होने चाहिए। वो स्वतंत्रता की बात करें लेकिन समानता के साथ बात करें, स्वतंत्रता में विभेद नहीं हो और दबाव नहीं हो किसी चीज का, राजतंत्र के अंतर्गत ही स्वतंत्रता आती है। उस समय प्रजातंत्र का भाव नहीं था, लेकिन प्रिय प्रवास में हरिओत जी ने प्रजातंत्र की एक जो जिसको कहना चाहिए कि अवधारणा थी, उसको परिभाषित करने का प्रयास कर दिया था। वैसे ही वनवास में राम अपने मुख से अपने राज्य की प्रजा को समता और स्वतंत्रता का मंत्र सिखाते हैं, वैसे ही प्रिय प्रवास में कृष्ण सभी को विपदा के काल में एकजुट होने का मंत्र देते हैं, एक साथ होने का मंत्र देते हैं, एकता में बल होने का मंत्र देते हैं। तो ये उनके नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो दूसरे बिंदु में जो आता है कि सांस्कृतिक आदर्श और समन्वय में आस्था नेतृत्व की अवधारणा को पुष्टि देता है, अर्थात
उन दोनों के नेतृत्व गुणों को परिभाषित करता है। अगला बिंदु जो आता है परिवार एवं देश के प्रति उनका आदर्श, कि विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर वो लोग चलते हैं। एक परिवार और देश के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनका आदर्श है, जो उनकी रक्षा है, समाजोत्थान है, देशोत्थान है, सबको साथ लेने की जो लेकर चलने की अवधारणा है, उसका बड़े अच्छे से हरिओम जी ने वर्णन किया है कि पुत्र की पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए, दाम्पत्य जीवन आदर्श होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति मन में श्रद्धा का प्रेम का भाव होना चाहिए, एकजुटता का भाव होना चाहिए, कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए और ये सारी चीजें जो दिखावा वगैरह है इनको अलग रख के चलना चाहिए, इसका उन्होंने बड़े ढंग से अपने काव्य में प्रयोग किया है। फिर आता है मानवतावादी दृष्टिकोण। हरिओम जी ने प्रेम प्रवास में जो सबसे बड़ा बिंदु उठाया है वह है उनका मानवतावादी दृष्टिकोण, अर्थात सहानुभूति पूर्वक प्रत्येक प्राणी के प्रति जो एक रसता का एक सा दृष्टिकोण होता है उस दृष्टिकोण को इन्होंने अपना मूल मंत्र बनाया है। और यही कारण रहा है कि विपदा के समय में प्रत्येक प्राणी मात्र को उन्होंने सुरक्षित स्थान देने का प्रयास किया समस्त सुविधाओं के साथ। जो कहते हैं ना कि कृष्ण ने उंगली पर चिटली उंगली पर पर्वत उठा लिया था, वो चिटली उंगली पर पर्वत नहीं था, वो उन्होंने श्रम इतना महान किया था कि ऐसा लगा मानो उन्होंने चिटली पर उंगली पर पर्वत उठा लिया हो। तो वो मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने उस कार्य को प्रतिपाद किया। दूसरा बुद्धिजीवी दृष्टिकोण, बुद्धि से काम लिया उन्होंने, हृदय के भाव को एक बुद्धि पर हावी नहीं होने दिए, हृदय और बुद्धि के दोनों के समन्वय से उन्होंने काम किया और अपने जो मंतव्य उनका था उसको उन्होंने पूरा किया। अवतार की जो एक अवधारणा चली आ रही थी वह निश्चित रूप से पारंपरिक थी, वे बुद्धि संगत मानी भी जाती थी पूर्व में, लेकिन यहां तक हरिओम जी के आते आते वह चीज जो है वह अलग दृष्टिकोण से देखी जाने लगी और उन्होंने राधा और कृष्ण को अलग रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। तो चरित्र का निर्माण जो राधा कृष्ण का उन्होंने किया वो एक अलग तरीके से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया गोवर्धन पर्वत की घटना, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कर सभी सुविधा सब भांति की, वह उन्हें रखते गिरी अंक में, परम वृद्ध असंबल लोक को, दुखमयी विधवा रुज ग्रस्त को, वन सहायक थे पहुंचा रहे गिरी सुग्रह में कर यत्न सिंह। कृष्ण जो है सभी लोगों को सुविधाजनक तरीके से उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उनकी सभी सुख सुविधाओं को के साथ उन्हें गिरी अंक में गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में सुरक्षित पहुंचा रहे थे। कैसे, जो कौन थे वो, परम वृद्ध जो बहुत अधिक वृद्ध थे, असंबल जो जिनका कोई और सहयोगी नहीं था, दुखी विधवाएं, रुग्ण जो रुग्ण थे बीमार थे वो, इन सबको अपने सहायकों के साथ वन सहायकों के साथ उस गिरी की गुफाओं में पहुंचा रहे थे। यह दुरूह कार्य था, बहुत कष्टप्रद कार्य था और उस अतिवृष्टि वृष्टि के समय में निरंतर यह सेवा कार्य लगातार होता दिखाई दे रहा था। तो इसलिए इस ये जो कहानी बनी पहाड़ उठाने के समान जो उक्ति चरितार्थ हुई कि उन्होंने मानो गोवर्धन पर्वत को ही उठा ली। तो नई अवधारणाओं के साथ उन्होंने इस काव्य का सृजन किया, प्रिय प्रवास को उन्होंने एक नया रूप दिया, प्रिय प्रवास में उन्होंने राधा और कृष्ण के चरित्र को एक नया रूप दिया। और आगे कहा कि लख अपार प्रसार गिरेंद्र में ब्रज धरा दीप के प्रिय पुत्र का सकल लोग लगे कहने उसे रख लिया उंगली पर श्याम ने, कि कृष्ण के इस परिश्रम को देखते हुए, इस दुस्साहस को देखते हुए,
सारे लोगों ने देखा कि ये ब्रज धरती का जो पुत्र है, ब्रज का जो ब्रज धरा के जो राजा का जो पुत्र है कृष्ण, इसने उंगली पर मानो उस पर्वत को उठा लिया, इतना महान कार्य उन्होंने किया। तो और इस तरह से इंद्र के कोप से पूरी ब्रज मंडल को उन्होंने बचाया, इंद्र के गर्भ का उन्होंने हरण किया। तो ये एक अवधारणा को उन्होंने बदला है, एक क्रांतिकारी कदम उनका था और उस कदम को उन्होंने उठाया और जनमानस में जो एक अवधारणा उंगली पर पर्वत उठाने की थी उसको स्पष्ट करते हुए सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया। क्योंकि खड़ी बोली का प्रथम खंड काव्य माना जाता है, महाकाव्यात्मक खंड काव्य माना जाता है, इसलिए इनका दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि वे किस तरह से अपने इस खंड काव्य को स्थापित कर पाएंगे करेंगे। तो उन्होंने शुद्ध खड़ी बोली, जो बोलचाल की भाषा थी, उसका इस्तेमाल किया ताकि आम जन तक वह साहित्य पहुंच सके। खड़ी बोली का हालांकि अगर देखा जाए तो सही माने में खड़ी बोली खुसरो के टाइम से प्रारंभ हो गई थी। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में बहुत सारे पंक्तियां, बहुत सारे पहेलियां, बहुत सारे दोहे लिखे थे। जैसे उदाहरण है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। ये खुसरो की पहेली है। तो ये जैसे आसमान आकाश, ये प्रारंभ खुसरो के टाइम से खड़ी बोली में लेखन प्रारंभ हो गया था, लेकिन हिंदी साहित्य में सही माने में स्थापित रूप में अगर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ तो वो हरिओत जी के काव्य में देखने को मिलता है, वेदही वनवास और प्रिय प्रवास और उनकी अन्य रचनाओं में। तो खड़ी बोली का एक स्थिर रूप इनके काव्य में देखने को मिला। काव्य धारा में खड़ी बोली का विकास, इसका श्रेय भी हरिओत जी को जाता है। इनके बाद बहुत सारे कवियों ने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया, बहुत जिनमें मैथिली शरण गुप्त, सियाराम गुप्त, रामचरित उपाध्याय, नाथुराम शर्मा आदि बहुत सारे इनके समकालीन और इनके बाद के और इनके पहले के कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया। तो ऐसे में हरिओत जी का योगदान जो खड़ी बोली के विकास में रहा वो सर्वश्रेष्ठ रहा, क्योंकि हरिओत जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में महाकाव्यात्मक खंड काव्य लिखा था। सबसे पहले उन्होंने एक विषय भी ऐसा चुना, एक अवधारणा को बदलने का भी उन्होंने एक दुस्साहसी कदम उठाया और खड़ी बोली को एक स्थापित रूप देने का भी प्रयास किया। तो हरिओत जी का स्थान खड़ी बोली के इस पूरे आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। उन्होंने इसका प्रयोग अपनी भाषा, अपने व्याकरणिक भाषा और अपने जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत थे, प्राचीन काव्य शास्त्रीय सिद्धांत थे, उनको भी मद्देनजर रखते हुए उनके आधार पर भी अपने खंड काव्य का विस्तार उन्होंने किया और खड़ी बोली को एक मुकम्मल स्थान प्रदान किया जो आज अपने बहुत अच्छे स्वरूप में परिभाषित होती है। तो ये था प्रिय प्रवास का और खड़ी बोली में प्रिय प्रवास की अवधारणा और उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का स्थान। आगे हम कल अगले किसी कवि को लेंगे, क्योंकि हम काफी लंबे समय से इस पे काफी वीडियो बना चुके हैं, अगले किसी कवि को लेंगे और उस पर हम उसका आलोचनात्मक विवेचन करेंगे। नमस्कार।